क्या आप भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं? क्या आप भी सारे सवालों के जवाब देकर आते हैं लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आते हैं, जबकि कम मेहनत करने वाले स्टूडेंट को आपसे ज़्यादा नंबर आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या आपने सोचा है कि जिनको आप वीक स्टूडेंट समझते हैं वो अच्छे नंबरों से कैसे पास हो जाते हैं? आखिर एग्जाम्स में लिखने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो आपको नहीं पता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अगर आप पढ़ने में काफ़ी तेज हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। तो क्या है वो सीक्रेट, क्या है वो टेक्निक, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन सा सीक्रेट है, वो कौन सा टेक्निक है जो कम मेहनत करने वाले स्टूडेंट को भी टॉपर बना देता है। तो देखिए, इसको लेकर कई रिसर्च किए गए हैं, हजारों टीचर से बात करके ये पता लगाया गया है कि आखिर स्टूडेंट एग्जाम्स में लिखते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। रिपोर्ट में जो बात निकल कर सामने आई है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कारण बहुत छोटा है लेकिन यही गलती आपको पूरी ज़िंदगी बदल देती है, और वो कारण है बैड राइटिंग, आंसर में कट लगाना, स्पीड स्लो होना और सीक्वेंस में नहीं लिखना। रिसर्च में मोटे तौर पर यही पता लगा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैड राइटिंग को लेकर क्या पता चला है। ध्यान देकर वीडियो देखना, छोटा वीडियो है लेकिन ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब बैड राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बल्कि बैड राइटिंग का मतलब ये है कि आपने जो लिखा है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आपको सारे सवालों के जवाब आते हैं लेकिन जल्दी जल्दी आंसर लिखने के चक्कर में आपकी राइटिंग का ध्यान नहीं रखते। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर एग्जाम में राइटिंग की वजह से तब तक आपके नंबर नहीं कटेंगे जब तक आपकी कॉपी को पढ़ा जा सकता है, फिर चाहे राइटिंग अच्छी हो या फिर बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नंबर कटेंगे जब आपकी हैंडराइटिंग ही समझ में ना आए। इसलिए जल्दबाजी उतनी ही करें जितने में आपकी हैंडराइटिंग खराब ना हो, नहीं तो आप सारे सवालों के जवाब लिख के भी आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिसर्च में दूसरा कारण जो पता चला है वो जानना जरूरी है, क्योंकि वो गलती ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और यही गलती करना स्टूडेंट को भारी पड़ जाता है, और वो गलती है आंसर शीट पर कट्स लगाना। मान लीजिए आपने कुछ लिखा फिर आपको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे आंसर शीट को पेन से घिस घिस कर काट देते हैं और फिर से लिखना शुरू करते हैं। अब ये आप कर तो देंगे लेकिन इससे आपकी कॉपी काफ़ी गंदी हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसा करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं करेंगे, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक रेलवे, SSC, FCAT, CDS, NDA, IBSU, पुलिस एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स एटसेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आदि विषयों को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है, इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होता क्या है कि टीचर्स के पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं होती है, उनके पास बहुत सारी कॉपी होती है, इसलिए उन्हें भी जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना होता है, और जिनकी कॉपी साफ सुथरी होती है उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब आपकी कॉपी गंदी रहती है, जगह जगह आंसर शीट पर कट लगा होता है, तो टीचर्स भी इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा करने पर वो नंबर काट लेते हैं, लेकिन जिनकी कॉपी साफ सुथरी होती है उस कॉपी को ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। दोस्तों, कई टीचर्स ने खुद ये बताया कि अगर कॉपी साफ सुथरी लिखी होती है तो वो पूरा नहीं पढ़ते। तो मान लीजिए कि अगर बीच में कुछ गलत भी लिखा है तो उसके नंबर कटने से बच जाते हैं, इसलिए कॉपी को साफ सुथरा जरूर रखें। अब कई स्टूडेंट साफ सुथरा तो लिख लेते हैं लेकिन वो इतना स्लो होते हैं कि अंतिम में उन्हें सवालों को छोड़ना पड़ जाता है। तो तीसरा कारण यही है, स्लो लिखना। दोस्तों, स्लो होने के पीछे की वजह के बारे में जो पता चला है वो भी हैरान करने वाला है, और ये गलती भी हर स्टूडेंट करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझिए कि ऐसा क्यों होता है, और अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आगे से करना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं,
अगर कोई सवाल उन्हें आता है तो वे उसे याद करने बैठ जाते हैं और एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में 5 मिनट खराब कर देते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देते समय एक एक सेकेंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और हर स्टूडेंट को 5 से 10 सवालों के जवाब नहीं आते हैं। ऐसे में सोचिए, अगर वो हर सवाल पर एवरेज 3 मिनट भी सोचने में लगा देंगे तो आपका आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो स्लो होने के पीछे कारण यही है जिसकी वजह से आपके सवाल छूट जाएंगे और फिर नंबर कम आएगा। तो आपको भी अगर ऐसी आदत है तो तुरंत इसको सुधार लीजिए, नहीं तो भुगतिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि सवाल छूट गया, समय ही कम मिला, समझे। अब इस पूरे रिसर्च में नंबर कटने की एक वजह जो सामने आई है वो ये है कि कई स्टूडेंट सिक्वेंस से नहीं लिखते। वो क्या करेंगे, पहले 2 नंबर के क्वेश्चन के जवाब लिखेंगे, फिर 4 नंबर के देंगे, फिर 5 नंबर के। फिर ऐसे में जब आपकी कॉपी चेक होगी तो चेक करने वाले टीचर जब देखेंगे कि आपकी कॉपी में सिक्वेंस से आंसर नहीं है तो वो इरिटेट होंगे, गुस्सा भी आएगा और नतीजा ये होगा कि वे नंबर काट लेंगे। ज़्यादातर टीचर्स इस बात को मानते हैं कि सिक्वेंस से नहीं लिखने की वजह से उन्हें कॉपी चेक करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो नंबर काट लेते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे, तो ऐसा करना आज से बंद कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी हम आपको बताएं उस पर ध्यान दीजिए और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।